आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश आज के मुख्य समाचार। 68 बूथों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ केरला लोकसभा उपचुनाव। बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल कर किया जोरदार प्रदर्शन। महिला को ब्लैकमेल करने वाले शंटी अग्नेजा को नगर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई की गई घोषणा। मुख्य डाकघर पर डाक कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। केरला लोकसभा उपचुनाव में आज 68 बूथों पर हुए पुनः मतदान में वोटरों में काफ़ी जोश देखने को मिला। रमज़ान में रोज़ा होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज की महिलाएं मतदान करने के लाइनों में लगी नजर आई और देर शाम को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बैंकिंग उद्योग की सभी 9 यूनियन के अधिकारियों कर्मचारियों ने आज यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल कर आज घंटाघर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर कोतवाली पुलिस ने आज महिला की वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले शंटी अग्नेजा को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि शंटी महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का काम करता था, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। घंटाघर स्थित एक होटल के सभागार में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई की घोषणा की गई, जिसमें शीतल टंडन को जिलाध्यक्ष व संजय भसीन को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। आप सबके सहयोग से मैं उसको तन मन से निष्ठापूर्वक कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और जब मुझे मुझे आप जैसे साथियों का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त है और सहयोग प्राप्त। मुख्य डाकघर पर चल रहे अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा, जिसमें कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। अब जो है ये हड़ताल हमारा आज 9वां दिन है, जो हड़ताल इसी तरह हम लोग जारी रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मी में आई हुई है। साथियों, ये जो ग्रामीण कर्मचारी है, जो ग्रामीण डाक सेवक कहे जाते हैं, इनकी समस्याएं इतनी है कि सरकार इनका लगातार उत्पीड़न करती चली आ रही है बेटे के नाम पर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को BLO ड्यूटी से मुक्त कराने की मांग को लेकर तहसील सदर में प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।